हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल नितिका स्टडी पॉइंट और आज का हमारा जो फाइलम है वो है फाइलम ऑर्थोपोडा या फिर संग ऑर्थोपोडा आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे दोस्तों आप वीडियो लास्ट तक देखिए यहाँ पे देखिए आर्थोपोडा जो शब्द है उसका सबसे पहले जो प्रयोग है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले वॉन सी बोल्ड ने किया था वो भी सन 1845 ईस्वी में यहाँ भी यदि हम देखें ऑर्थोपोडा का अर्थ क्या होता है तो यहाँ ये दो शब्द से मिलकर बना है ऑर्थोन और पोडोस दोस्तों यहाँ पे ऑर्थोन का मर्त होता है जॉइंट और पोडोस का मतलब होता है फूट मतलब कि यहाँ पे देखिए संयुक्त उपांग जिनमें यहाँ पे जॉइंट फूट पाए जाए उन्हें ऑर्थोपोडा कहा जाता है यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ या फिर फाइलम है दोस्तों इस संघ में लगभग दस लाख जंतु हैं जो कि पर्वत की ऊंचाइयों से लेकर यहाँ पे समुद्र में आठ किलोमीटर की गहराई तक पाए जा सकते हैं तो यदि हम यहाँ सामान्य भाषा में कहें तो ये पृथ्वी में कहीं भी पाए जा सकते हैं चलिए देखते हैं कि यहाँ पे इनकी जो विशेष लक्षण है या फिर कैरेक्टर है जो कि एक ऑर्थोपोडा जीव में पाई जाती है वो कौन कौन सी है चलिए देखते हैं इनका सबसे पहला जो लक्षण है या कैरेक्टर है तो ये जो जंतु हैं जल थल वायु तीनों जगह में पाए जा सकते हैं ठीक है इनमें से जो कुछ सदस्य हैं कुछ ऑर्थोपोडा हैं वो परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं इनका जो शरीर होता है दोस्तों वो द्विपार्श्व पार्श्व सम्मित होता है या फिर बाइलेटरली सेमेट्रिकल होता है यहाँ द्विपार्श्व पार्श्व सम्मित का मतलब है यदि इन्हें एक केंद्र से आप काटें काटेंगे तो दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं यहाँ पे देखिए इनका जो शरीर होता है वो विखंडित होता है मतलब खंड युक्त होता है बहुत सारे सेगमेंट में ये डिवाइड रहते हैं और यदि इनका लेयर देखें स्तर देखें इनका शरीर कितने स्तर का बना होता है तो वो त्रिस्तरीय होता है या फिर तीन स्तर का बना होता है देखिए इनका जो शरीर है उनमें जोड़ीदार संदिग्ध और पार्श्व उपांग पाए जाते हैं ऑर्थोपोडा जीव का यही विशेषता खास इन्हें ऑर्थोपोडा नाम दिया गया है जोड़ीदार संदिग्ध उपांग के कारण ठीक है यहाँ पे यदि देखें तो इनके जो शरीर है उसमें रुधि लसी का गुहा या फिर हीमोसेल पाई जाती है दोस्तों इनके ब्लड में आरबीसी और हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता इसके कारण यह लाल ना होगा रंगहीन और अन्य रंग के हो सकते हैं इनके ब्लड ठीक है आर मतलब रेड ब्लड सेल होता है दोस्तों लाल कलर जो ब्लड में दिखाई देता है वो आर के कारण ही दिखाई देता है पर ऑर्थोपोडा में आर नहीं पाए जाते ऑर्थोपोडा जीवों के ब्लड में इसीलिए इनका जो ब्लड है वो रंगहीन होता है हीमोग्लोबिन के स्थान पर यहाँ पे देखिए हीमोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है ठीक है यहाँ पे देखिए आरबीसी और हीमोग्लोबिन जो है वो भी एक ब्लड का महत्वपूर्ण भाग है हीमोग्लोबिन पर इनमें ऑर्थोपोडा में, में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता इसके जगह पे पाया जाता है हीमोसाइनिन ठीक है दोस्तों जो ऑर्थोपोडा वाले जीव होते हैं उनका शरीर यदि हम देखें तो तीन भाग में डिवाइड रहता है पहला है हेड या फिर जिसे सिर कहा जाता है सेकेंड है वक्ष या फिर थोरेक्स और तीसरा है उधर या फिर एब्डोमेन तो यहाँ तीन भाग में इनका शरीर डिवाइड होगा यहाँ देखिए कभी कभी जो इनका सिर है और इनका जो वक्ष है वो जुड़कर सिरों वक्ष का निर्माण करते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट लक्षण यदि देखते हैं तो इनके जो शरीर है उसकी बाह सतह पर बाहर की जो सतह है उसमें काइटीन का बना एक बाह कंकाल पाया जाता है और यहाँ पे देखिए इसका लक्षण ये इनके जो सिर है दोस्तों उस पर सरल या फिर जॉइंट यहाँ पे नेत्र या फिर आँख पाए जाते हैं शरीर में यहाँ उत्सर्जन के लिए हरी ग्रंथियाँ या फिर जिसे ग्रीन ग्लैंड कहा जाता है या फिर जिसे साथ ही मेलपीघियन नलिका जिसे कहा जाता है वो पाया जाता है मतलब कि शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पे हरी ग्रंथियाँ या फिर मेलपीघियन नलिकाओं के द्वारा बाहर निकलते हैं इनमें जो श्वसन है दोस्तों वो सामान्य शारीरिक सतह या फिर गिल्स के द्वारा या फिर ट्रैकिया के द्वारा या फिर बुकलंग जिसे कहा जाता है उसके द्वारा होता है इनका तंत्रिका तंत्र जो होता है दोस्तों एक पृष्ठ मस्तिष्क या फिर जिसे डोर्सल ब्रेन कहा जाता है और यहाँ गैंग्लियन युक्त दो आधर तंत्रिका रज्जु का बना होता है यहाँ पे यदि हम देखते हैं नर और मादा के हिसाब से इनका लक्षण तो नर एवं मादा जो प्रजनन अंग है वो अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं ठीक है और इनमें जो निषेचन होता है दोस्तों वो अंत निषेचन होता है यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो इस सदस्य के कुछ जो जंतु हैं कुछ जो जीव हैं वे अंडे भी देते हैं जबकि कुछ सदस्य जो हैं वो बच्चे देते हैं यदि हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारा होगा बिच्छू केकड़ा झींगा सेंटीपीड मकड़ी तिलचट्टा और मिलीपीड दोस्तों यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल तो बहुत सारे होंगे क्योंकि ये जो फाइलम है हमारा वो सबसे बड़ा फाइलम है इसमें बहुत सारे जीव पाए जाते हैं अन्य फाइलम की अपेक्षा तो यदि हम यहाँ देखें तो इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल है पर सबको बता पाना संभव नहीं है ये जो विशेष एग्जाम्पल हैं जैसे कि मैंने अभी बताया वो आप जान लीजिए और आप ये जो एग्जाम्पल मैंने अभी बताया उसको आप सभी लगभग जानते होंगे जैसे कि बिच्छू केकड़ा झींगा मकड़ी तिलचट्टा ये सब दोस्तों चलिए अब हम इनका देखते हैं वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन तो यदि हम यहाँ देखें क्लासिफिकेशन ऑर्थोपोडा का तो इन्हें पांच क्लास या फिर वर्ग में डिवाइड किया गया है सबसे पहला यहाँ वर्ग है क्रस्टेशिया दोस्तों यदि देखें क्रस्टेशिया का लक्षण सामान्य लक्षण तो ये जलीय होते हैं इनका शरीर सिफेलोथोरिक्स और उदर गुहा में विभाजित होता है देखिए नेक्स्ट इसका लक्षण यदि देखें तो शरीर के प्रत्येक खंड में जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं मैंने अभी आपको बताया कि इनका शरीर जो होता है वो खंड युक्त होता है मतलब कई खंडों में डिवाइड रहता है तो इनके जो खंड युक्त शरीर हैं दोस्तों उसमें जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं और इनमें जो श्वसन है दोस्तों वो गिल्स के द्वारा होता है और यदि हम इनका आंख देखें नेत्र देखें जो इनके सिर पर पाए जाते हैं वो जॉइंट होते हैं संयुक्त होते हैं एग्जाम्पल आप देखेंगे झींगा हिप्पा केकड़ा चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ग या नेक्स्ट क्लास है सिफेलोपोडा ठीक है इन्हें पोडा भी कहा जाता है ये स्थलीय होते हैं दोस्तों शरीर के प्रत्येक खंड में एक या दो जोड़ी पैर पाए जा सकते हैं सिर पर एक जोड़ी एंटीनी पाई जाती है ठीक है जो कि आंखें और यहाँ पे मुखांग भी इनमें पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ नेक्स्ट है श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होगा इनमें और नर और मादा जो है कीट इनमें अलग अलग होते हैं एग्जाम्पल देखें यहाँ मिलीपीड इस इसकोलोपेंड्रा और स्पोरोबुलस नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्लास है हमारा इंसेक्टा इसका लक्षण देखिए इस वर्ग के जो सदस्य हैं दोस्तों वो स्थलीय होते हैं कुछ जल में भी पाए जाते हैं इनका शरीर सिर वक्ष और उधर ये तीन भाग में डिवाइड रहता है सिर पर दो एंटीनी पाए जाते हैं दो संयुक्त या फिर नेत्र पाए जाएंगे ठीक है मुखांग मतलब माउथ पार्ट भी यहाँ पाए जाते हैं। यहां पे इनके वक्ष जो है, उनमें तीन खंड होते हैं वक्ष में तीन जोड़ी पैर और दो जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं इनमें यदि हम श्वसन देखें दोस्तों तो वो ट्रैकिया के द्वारा होता है और जो नर और मादा कीट है वो अलग अलग होते हैं दोस्तों यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इनमें एग्जाम्पल होगा तिर चट्टा मच्छर खटमल जू, आप इन सभी को लगभग जानते होंगे दोस्तों मैंने दूसरे फाइलम और क्लास का भी वीडियो बनाया है साथ ही साथ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया है यदि आप देखना चाहते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे देती हूँ आप उसे जरूर देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा वर्ग या फिर क्लास है औरकनिडा यदि हम इसका कैरेक्टर या फिर लक्षण देखते हैं और वर्ग के जीवों को जीवों का तो ये प्रायः स्थलीय होते हैं कुछ सदस्य जो हैं वो पानी या फिर वॉटर या जल में भी पाए जाते हैं यहाँ पे देखिए इनमें भी जो लिंग है वो अलग अलग मादा और नर में विभिदित भी रहता है श्वसन यहाँ पे गिल्स या फिर ट्रैकिया के द्वारा होता है उदाहरण के लिए देखिए, बिच्छू मकड़ी और जो दीमक होते हैं वो और एक निडा वाले जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे नेक्स्ट यहाँ वर्ग है ऑनिको दोस्तों क्लास ओरिन ऑनिकोफोरा जो है उसका यदि हम लक्षण देखें तो ये स्थलीय होंगे सिर पर दो सरल नेत्र पाए जाते हैं दो जबड़े और दो एंटनी पाए जाते हैं यहाँ पे इनमें श्वसन जो है वो ट्रैकिया के द्वारा होता है और यदि उत्सर्जन देखें तो वो नेफ्रीडिया के द्वारा होगा इनमें जो एनिलिड्स और ऑर्थोपोडा है दो समूह के लक्षण इनमें पाए जाते हैं इनका एग्जाम्पल देखिए पेरी ठीक है दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो था संग ऑर्थोपोडा वो इतना ही यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए नए व्यूवर और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप उसे देख पाए पहले सबसे पहले देख पाएं थैंक यू सो मच दोस्तों